हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का कैंडल होल्डर बनाएंगे। इस होल्डर को बनाना शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। इसे बनाने के लिए हमें एक इस तरह की सीढ़ी चाहिए, कैनवास शीट चाहिए और मैंने इसमें दो कलर की ऊन का यूज़ किया है और हॉट ग्लू से इसे अटैच किया है। चलो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कैनवास शीट लेते हैं। कैनवास शीट में हमें 6x32 ब्लॉक्स की एक स्ट्रिप काटनी है। मैंने काउंट कर लिए, इधर से मैंने ये 6 ब्लॉक काउंट कर लिए, इधर से 32 और यहाँ पे मैंने दोनों जगह निशान लगा लिया। तो 6 ब्लॉक काउंट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक काउंट करने के बाद 7 ब्लॉक्स को हमको काटना रहता है। इधर से 32 काउंट करने के बाद 33 के ऊपर हमें ये जाली काटनी। सबसे पहले हमें कट कर लेते हैं। इस तरह हमारी ये एक सीधी स्ट्रिप कट जाती है। अब हमें चौकोर ब्लॉक्स काटने हैं 11x11 के। वापस से हम काउंट कर लेते हैं। 11 काउंट करके 12 से हमें काटना है। इधर से भी, इधर से काउंट कर लेते हैं। 11 यहाँ पे पूरा 12। 11x11 के हम ये चौकोर ब्लॉक्स काट लेते हैं। इस तरह हमें एक तो ये स्ट्रिप चाहिए और ऐसे हमें चौकोर ब्लॉक्स चाहिए 16। अब इस ब्लॉक्स के अंदर हम इधर से 8 काउंट करेंगे। 4 5 6 7 8 काउंट करने के बाद 9 में हमें यहाँ पे निशान लगाना है। इधर से भी 8 काउंट कर लेंगे। 8 काउंट करने के बाद 9 में हमें निशान लगाना। इस तरह हमें ये चौकोर नीचे से कट करना है। पहली वाली कट करूँगी मैं इधर से, दूसरी वाली नीचे की तरफ से। फिर हमारी नीचे से इस तरह कट हो जाती है। इस तरह हमें 16 पीस काट लेता। हमने सभी पीस काट लिए। सबसे पहले हम अपनी लंबी स्ट्रिप लेते हैं, वाइट कलर की ऊन लेते हैं। अगर ऊन हमारी मोटी होती है तो सिंगल ले लेते हैं, नहीं हम डबल ले लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले स्क्वायर को तो छोड़ देते हैं, सेकंड स्क्वायर में हम सुई को डालते हैं। इसके नीचे वाले स्क्वायर में डालते हैं। फिर हम इसको तिरछा पूरा बना लेते हैं। इस तरह हमारा टेढ़े ब्लॉक में हम इसे लेते जाएंगे। इस तरह हम इसे पूरा कर लेते हैं। तिरछा बनाते हुए से पूरे स्ट्रिप को बना लेते हैं। फिर हम इसे करते हुए लास्ट में आ गए। पूरा होने के बाद हम इसमें नोट लगा देते हैं।
इस तरह हमारी पूरी स्ट्रिप बन जाती है। अब एक स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर में शुरू के हम पांच ब्लॉक छोड़ देते हैं, छठा भी छोड़ देते हैं सातवें ब्लॉक से, सुई को डालते हैं इधर इस तरह, इसमें क्रॉस करते हुए जैसे बनाया था उसी तरह हम इसे बना लेते हैं। वापस हम इसे घटाते हुए लाएंगे, इस तरह हमारी ये स्क्वायर बन जाती है। एक स्क्वायर हमारा पूरा हो गया, हम सेकंड स्क्वायर बनाएंगे। सेकेंड स्क्वायर हमारा इधर से बनेगा, हम मीडियम डालेंगे इसमें, हम इस स्क्वायर को भी पूरा कर लेते हैं। वो हमारा थर्ड स्क्वायर बनेगा जो वापस इधर से बनेगा हमारा। इसी वजह से हम पूरा करते हुए उनको कट कर देते हैं। इस तरह हमारे तीन स्क्वायर पूरे हो गए, उनको हम कट कर देते हैं। हम अपनी दूसरे कलर की ऊन लेते हैं, जो हमारे एक स्क्वायर बचा है इसको हम बना लेते हैं। अभी हमारा स्क्वायर भी पूरा हो गया है, चारों स्क्वायर बनने के बाद हमारी जाली इस तरह से हो जाती है। अब इस नीडल को हम यहाँ पे सुई को यहाँ पे लास्ट वाले स्क्वायर में ले आते हैं, सभी जाली में एक एक बार हम इस निकालते हैं। एक एक बार निकालते हैं, इस तरह से बन जाती है। कोने वाली जाली भी हम तीन बार निकालेंगे, एक बार तो निकाल लिया था, दोबारा एक बार और निकालते हैं। इस
इस तरह हम कोने वाली जाली पे तीन बार निकालते हैं, फिर एक एक करके हम लास्ट तक आ जाते हैं। लास्ट में आने के बाद हम इसको इस तरह मोड़ते हैं और इन दोनों जालियों को हम एक साथ बनाएंगे। दोनों के एक साथ अब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पे नोट लगा के उनको कट कर देते हैं। इस तरह हमारी एक ही बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है हमारा। इस तरह हम सभी स्क्वायर बना लेंगे। हम अपनी लंबी स्ट्रिप को लेते हैं, लंबी स्ट्रिप को भी हम इसी तरह से सभी जगह स्क्वायर करते हुए बना लेंगे पूरे को। करते हुए इसे लास्ट तक ले आते हैं। लास्ट तक बना लिए, अब हम वापस से दूसरी तरफ ले आते हैं। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह इसको बना लेते हैं, पूरा कर लेंगे हम इसे लास्ट तक। लास्ट तक पूरा कर लेते हैं। अब हमने दोनों तरफ से बना लिए, लास्ट में आ गए। इन दोनों को हम साथ में बनाएंगे। साथ में बनाने से दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। हमारी ये पूरी हो जाती है। उनको गांठ लगा के हम इसे कट कर लेते हैं, सभी पीसों को हम बना लेते हैं। अब हमने अपने सभी पीसों को कंप्लीट कर लिया, ये हमारा राउंड हो गया और ये हमारी 16 पत्तियां बन गई हैं। अब हम अपनी सीढ़ी लेते हैं। सीढ़ी के ऊपर अब इन सभी पीसों को हम ग्लू गन की हेल्प से अटैच कर देते हैं। सबसे पहले हम ये राउंड वाला हिस्सा लेते हैं, इसके ऊपर गम लगाते हैं। उसके बिल्कुल इसके सेंटर में चिपका देते हैं। हम अपनी एक एक पत्तियों को लेते हैं, यहाँ पे गम लगाते हैं। सभी पत्तियों को चिपका देते हैं। हम सभी पत्तियों को चिपका लेते हैं। इस
फिर हमने सभी पत्ते चिपका के अपनी कैंडल को कंप्लीट कर लिया, कैंडल होल्डर को। अभी कैंडल होल्डर हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।